वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रियजनों योहन का सुसमाचार अध्याय एक पद संख्या एक और उसे आगे हम पढ़ते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। बाइबल हमें बताती है कि आरंभ से ही इंसान ने परमेश्वर की खोज करनी शुरू की, परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर की। परमेश्वर कैसा दिखता है, वो क्या चाहता है, वो मनुष्यों से क्या चाहता है, वो कैसा है और उसने ये सारी चीजें कैसे बनाई हैं, ये इंसान के अंदर आरंभ से ही प्यारे भाइयों और बहनों एक जिज्ञासा बनी रही। लेकिन समय के अनुसार ये हुआ कि सच्चे ईश्वर को लोग जान नहीं पाए, इसलिए लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार जैसा उसे समझा वैसी मूरत उन्होंने प्रभु की अपने मन में बना ली। एक सुंदर दोहा है, जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिस व्यक्ति की धारणा जैसी थी उसने उसी प्रकार से ईश्वर को जाना, उसे देखा, उसे अनुभव किया। लेकिन हमारी बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट किया। वो इंसान के रूप में आकर हमारे बीच में रहा और उसने प्यारे भाइयों और बहनों इंसान को इतना प्यार किया, उससे इतनी मोहब्बत की कि वो उससे जुदा नहीं हो सकता था। उसने इंसान के लिए, उसके उद्धार के लिए एक कीमत चुकाई। इसलिए प्रभु ने आज संदेश दिया है कि मेरे बच्चों से बताओ कि मैंने इनके लिए, इनके प्राणों के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके उद्धार के लिए अपना लहू बहाकर कीमत चुकाई है। संत पौलुस कहता है कि आप प्रभु के लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायत ही ये जरूरी बात है कि मैं और आप उस सत्य परमेश्वर को जाने, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, वो अपने रहस्यों को कैसे हमारे ऊपर प्रकट कर सकता है, हम उसे जाने, उसे पहचाने, उसके नजदीक चले। इसको समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आज प्रभु का वचन हम समझेंगे। एक छोटा बालक था, उसने एक नाव बनाई और नाव बनाने के बाद उसने उसे डिजाइन किया, उसके ऊपर रंगाई की और बहुत सारे कलर्स के द्वारा शेड दिया और अब वो सुंदर दिखने लगी और उसके ऊपर उसने अपना नाम लिखा। अब उसके मन में ख्याल आया कि इस नाव का परीक्षण किया जाए, इसलिए वो क्या करने गया, उसे पानी में ले गया और वहां पर उसने उस नाव को पानी में छोड़ दिया और जब पानी में वो तैरने लगी तो बालक नाव को देखकर बड़ा खुश हुआ, उसे अपने ऊपर बड़ा भरोसा
आया। उसे अपनी बनाई हुई चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वो कलरफुल थी और उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। वो नाव तैर रही थी प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अचानक एक तूफान उठता है और उस तूफान की वजह से उस पानी में लहरें उठने लगती हैं और देखते ही देखते उन लहरों के कारण वो नाव डूब जाती है। जब वो डूब जाती है तो ये बालक बड़ा निराश होता है। उस दिन वो इतना उदास हो जाता है कि उसे भोजन तक करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसकी बहुत प्यारी चीज जो थी वो उससे जुदा हो गई, उसने उसे खो दिया, वो उससे दूर चली गई, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी शिद्दत से, इतने कठिन परिश्रम से उसे सजाया था, संवारा था और उसने कलर्स के शेड दिए थे, कितनी मेहनत के साथ उसे बनाया था, आज वो उसके पास नहीं थी, वो उससे बहुत दूर थी, वो खो चुकी थी। इसीलिए वो इसी असमंजस में पड़ा रहा कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो बड़ा उदास हो चला था और इसी उदासी और निराशा में वो जीवन बिता रहा था। एक दिन टहलते टहलते वो बाजार से गुजर रहा था और गुजरते समय उसने देखा कि एक लकड़ी की नाव जो बहुत ही कलरफुल है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं जाकर देखूं कि क्या ये वही नाव है। जैसे ही वो नजदीक जाता है वो पहचान लेता है कि ये मेरी नाव है। वो दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है, देखो ये नाव मेरी है, ये मुझे दे दो। दुकानदार कहता है, ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? बोला, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। बोला, मैं इसे तुमको नहीं दे सकता हूं, अब ये तुम्हारी नहीं है, अब ये मेरी दुकान में है, अब मेरी वर्कशॉप में है, मैं जैसा चाहूंगा इसे इस्तेमाल करूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, एक शर्त पे मैं दूंगा, अगर तुम इसका 500 रुपए मूल्य अदा करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्चा थोड़ी देर सोचता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस नाव को किसी को नहीं दोगे, मैं कल पैसे लेकर आऊंगा और मैं इसे मूल्य अदा करके लेकर चला जाऊंगा। दूसरे दिन वो बच्चा आया, 500 रुपए उसने अदा किए और अपनी नाव लेकर चला गया। ये कहानी हो सकता है आपके मनोरंजन के लिए हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। वो जो नाव थी जो डूब गई थी, वो आप थे, वो मैं था, बनाने वाला परमेश्वर था, और वो जो तूफान था वो शैतान की चाल थी, और जो दुकानदार था जिसने उसे लाकर अपने कब्जे में रख लिया था वो इस दुनिया का नायक था। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिंदगी की हकीकत थी। उस परमेश्वर ने जिस इंसान को, आपको और मुझे, इतने प्यार से, इतने शिद्दत से और भक्ति से, सादगी से सजाया था, उसने अपनी रूह इंसान के अंदर डाल दी थी, जिससे वो प्यार करता था, अदन बाग में उसके साथ अटखेलियां किया करता था, उसको देखकर खुश हुआ करता था और उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बड़ा फक्र था। प्यारे भाई और बहनों, बड़ा गर्व था, क्योंकि सारी सृष्टि में इंसान सबसे ज्यादा सुंदर था और वो ईश्वर के प्रतिरूप था, लेकिन शैतान के वश में, उसके प्रलोभन में आने के कारण उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, इसलिए अब उन्हें मालूम नहीं था कि इसको कैसे प्राप्त करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की गलती सिर्फ इतनी थी
कि वो ईश्वर की अधीनता में रहना नहीं चाहता था और आज 21वीं सदी में भी ऐसा ही है। क्यों इंसान ईश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं करता? वो इसलिए क्योंकि ईश्वर की अधीनता में रहने का मतलब ये है, उपवास करना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, आराधना करना, सत्य बोलना, सेवा करना, मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो ये सब हमें करना पड़ेगा। ना बाबा ना, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे। जब हमारी मर्जी होगी हम आ जाएंगे, माथा टेक के चले जाएंगे, लेकिन हम कलीसिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते। आज के बच्चे, नवयुवक युवतियां, उनकी यही दशा है प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते तो आप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा, शायद उससे आप अच्छी तरह समझ सकें। यदि आप अधीनता में नहीं रहेंगे, थोड़े समय तक आप उड़ेंगे जरूर, थोड़े समय तक आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा तो इसलिए जल्दी नीचे गिर जाएंगे। एक पिता अपने बच्चे के साथ अपने घर की छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर की छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था और पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। छोटे बालक के मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगता है कि पतंग इतना ऊपर चली गई है, ये तो और भी ऊपर जा सकती है, यदि पापा इसको और थोड़ा छोड़ देंगे, धागा और थोड़ा छोड़ देंगे तो ये और ऊपर जा सकती है। तो उसने पापा से कहा, पापा डोर थोड़ी और ढीली करो, ये और ऊपर जाएगी। और थोड़ी डोर ढीली करने के साथ ही वो और ऊपर चली गई। लेकिन बच्चे के मन में शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया। बोला, पापा एक काम करो, आप इस डोर को काट दो, आप इस डोर को काट दो, आपने इसको थामे हुए हैं इसलिए ये और ऊपर नहीं जा पा रही है। तो पापा ने कहा, नहीं हम इसको नहीं काट सकते। बोला, नहीं पापा इसको काटना है, मैं कहता हूं आप इसको काट दो। और रोने लगता है, जिद करने लगता है। पापा ने डोर छोड़ दी। कुछ समय के लिए वो डोर जो हाथ से छूट गई थी, पतंग से लिपटी हुई थी, वो पतंग बहुत ऊंची उड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इतनी तेजी से नीचे आई, उसका पता नहीं चला कि वो कहां गिरी थी। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इंसान यदि परमेश्वर की अधीनता में रहता है, उसके मार्गदर्शन में चलता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों वह एक समान ऊंचाई पर उड़ता रहता है। लेकिन यदि वह अधीनता स्वीकार नहीं करता, आजाद होना चाहता है, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 और उससे आगे हम वचन पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के विषय में ऐसा ही था। उड़ाऊ पुत्र के विषय में ऐसा ही था। उड़ाऊ पुत्र जिसका पिता उसे बहुत प्यार करता था, वचन कहता है एक दिन उसके मन में ख्याल आया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से ये सब काम करने पड़ते हैं, रोज दुआ करनी पड़ती, रोज प्रार्थना करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कहते हैं, फादर जी हमारे घर में दिन रात भजन चलते हैं, आराधना चलती रहती है। और कभी बेटा कहता है, मम्मी तुमने तो चर्च घर को चर्च बना दिया है, कभी हमें अपने गाने भी सुन लेने दिया करो, क्या तुमने ये रोज प्रार्थना लगा रखी है। इसी तरीके से उड़ाऊ पुत्र भी एक दिन अपने पिता को कहने लगा कि मुझे मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो। पिता को शायद समझ नहीं आया होगा, पिता को शायद समझ में नहीं आया होगा कि इस बेटे को मैं क्या दूं, आखिर सब कुछ तो इसका है, जो मेरा है वो इसका है,
और इसके बावजूद ये हिस्सा मांग रहा है। उसके बहुत जिद करने के बाद पिता ने उसे उसका हिस्सा दिया और वो बड़ी खुशी के साथ अपनी पोटली उठाता है, अपना पैसा और धन संपत्ति लेता है और किसी दूर देश चला जाता है। अगले वचन में आप पढ़ेंगे, थोड़ा ही समय बीता था कि उस देश में अकाल पड़ा, थोड़ा ही समय बीता था कि उस देश में अकाल पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके जीवन में भी अकाल पड़ गया क्योंकि उसका सब कुछ लुट गया था, क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। वो स्वतंत्र होके जीना चाहता था, वो स्वतंत्र होके जीना चाहता था। आज बच्चे, नवयुवक और युवतियां आजादी में रहना चाहते हैं और उड़ाऊ पुत्र भी, उसने ऐसा ही निर्णय किया। लेकिन थोड़ी ही देर आजादी में रहने के बाद उसका सब कुछ समाप्त हो गया। काम ढूंढने के सिलसिले में वो दर दर भटकता रहा, घर पर घर बदलता रहा और एक व्यक्ति के यहां उसे एक ऐसी जगह में काम मिला जहां पर जानवरों को चारा खिलाना था। सुअरों के साथ उसे रहना पड़ा, सुअरों का भोजन जो सुअर खाते थे उनके साथ उठना बैठना और वही खाना, उसकी फलियों को खाना उसे पड़ा। और बाइबल कहती है एक दिन उसे होश आया। जब वो होश में आया तो कहने लगा, सोचने लगा, मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों मजदूर भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठूंगा और जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। जब वो होश में आया, आज बहुत सारे लोग होश में नहीं हैं, इसलिए उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो अनेक प्रकार के चक्करों में फंसे हुए हैं। उनका पैसा बर्बाद हो रहा है लेकिन पता नहीं है, वो अपने अंगों को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है, ड्रग्स हर प्रकार की अश्लीलता के कारण उनके घर उनके रिश्ते उजड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं है, वो अपने शरीर को तृप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ गुटके के शिकार हैं तो अपने फेफड़ों को जला रहे हैं, मुंह के कैंसर से परेशान हैं, तो कुछ लोग हर प्रकार के नशे से पीड़ित हैं तो उनके अंग सड़ रहे हैं। तो प्यारे भाई, और अनेक प्रकार के बंधन हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वो उठता है, वो जाता है और क्षमा याचना करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में वही बात प्रभु हमें समझाना चाहता है कि हम होश में आए, हम परमेश्वर को जानें और उसे समझें। इंसान अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपना जीवन जल्दी ही नष्ट कर लेता और उसका जीवन जल्दी उजड़ जाता है। और बाइबल हमें बताती है जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए, आपने मेरे लिए प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित किया, बलिदान दिया है, बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए, दृढ़ हो जाए, और मुझे अपनी गलतियों पर क्षमा याचना करने का सामर्थ्य मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पिता जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, जो खोया हुआ था, जब उसे पा लेता है तो कितना खुश होता है। ठीक वैसे ही जैसे उस लड़के ने जिसकी नाव डूब गई थी, उसने वो बहाया, पैसा अदा किया और वो अपनी नाव को ले आया। लेकिन परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आपको और मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना प्राण न्योछावर किया।
क्रूस के ऊपर उसने यज्ञ किया, क्रूस के ऊपर उसने अपने आप को बलिदान किया, क्रूस के ऊपर चढ़कर उसने मेरे और आपके लिए कीमत अदा की, और वही कीमत के कारण मैं और आप आज बच गए हैं। मेरे और आपके उद्धार के लिए कीमत अदा की गई है। The cost of the salvation, my dear brothers and sisters, is paid by Jesus Christ. The cost of salvation, उद्धार की जो कीमत है वो प्रभु येसु के द्वारा आपके और मेरे लिए अदा की गई है। जिस तरह से उस छोटे लड़के ने अपनी नाव के लिए 500 रुपए अदा करके दुकानदार से वो ले आया, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र येसु मसीह ने अपने लहू की कीमत अदा करके शैतान की दासता और उसकी गुलामी से सदा के लिए हमें छुड़ाया, सदा के लिए हमें छुड़ाया। और ये उद्धार मुझे और आपको मुफ्त में मिला, ये उद्धार मुझे और आपको मुफ्त में मिला, ये परमेश्वर की दया के कारण हमें मिला, ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें मिला। परंतु ये इतना सस्ता नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, ये इतना सस्ता नहीं है, और ना इसे समझना कि ये इतना सस्ता है कि परमेश्वर ने इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में आकर निवास किया मेरे और आपके उद्धार के लिए। वो मेरे और आपके जैसा बना, मेरे और आपके जैसे उसने खाया, मेरे और आपके जैसे उसने दुखों को अनुभव किया, उसने इंसान का दर्द जाना और उसने इंसान को अच्छा किया, चंगा किया। इसलिए उसके नाम में मुक्ति है प्यारे भाई और बहनों, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में सामर्थ है, और वो सामर्थ सारे बंधनों को तोड़ देता है, उस सामर्थ सारे बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए आज मैंने कहा आपके उद्धार का दिन है। प्रभु कहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा, तू प्रायश्चित कर और तेरे घर के लिए प्रायश्चित कर और तेरा घर बचा लिया जाएगा। इसलिए आज इंसान को परमेश्वर की अधीनता में रहना सीखना चाहिए, दुनिया को परमेश्वर की अधीनता में, पवित्र धर्मशास्त्र की अधीनता में रहना होगा हर एक व्यक्ति को, प्रभु के अनुयायी को, विश्वासी को, मसीहों को परमेश्वर की अगुवाई में चलना होगा, डिवाइन हेल्पर्स की मदद लेना होगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे और आपको चलाता है। इसलिए बाइबल हमें कहती है प्रेरित चरित्र अध्याय 3:16 की, ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को जिसे आप देखते हैं और जानते हैं बल प्रदान किया है। आप जानते हैं कि सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़े को पेत्रुस ने स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया था, और लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वास नहीं कर पाए, असमंजस में पड़ गए कि क्या यही वही व्यक्ति है जो फाटक पर पड़ा रहता था, लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, अब ये कैसे चलने लगा है, कैसे डांस करने लगा, कैसे नाचने लगा है, और वो असमंजस में पड़ गए। प्रेरितों ने कहा कि ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को जिसे आप देखते हैं और जानते हैं इसे बल प्रदान किया है। तो यीशु के नाम में शक्ति है, बोलिए आमेन। आमेन। यीशु के नाम में सामर्थ है, बोलिए आमेन। आमेन। यीशु का नाम चंगा करता है, आमेन। यीशु का नाम शिफा देता है, आमेन। यीशु का नाम लंगड़ों को चलाता है, आमेन। यीशु के नाम में सामर्थ है, आमेन। आज जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों ने कहा कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज हमारी इस दुनिया में आध्यात्मिक अशांति है, हम बेचैन हैं, चिंता में रहते हैं। ये वचन सुन रहे हैं लेकिन आपका मन इस वक्त कहीं और है, आप सुन रहे हैं कान से लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों आप सोच रहे हैं दिमाग से, आप सुन रहे हैं कान से लेकिन सोच रहे हैं दिमाग से। और कई लोगों के जीवन में इस वक्त वचन सुनने के साथ साथ अनेक प्रकार के चलचित्र आपके मन में चल रहे हैं, गूंज रहे हैं, और आप उनकी
कल्पना कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है, सुना हुआ केवल 10% ही रजिस्टर होता है। जानते हैं दिमाग के दोनों ओर परमेश्वर ने कान क्यों दिए हैं? ताकि हम यहां से सुने और दिमाग से हम उसको ग्रहण करें, सोचें, और हमारी जो मानसिक शक्ति है प्यारे भाइयों और बहनों, उन बातों को ग्रहण करें। तो हर तरफ उदासी है, हर तरफ अत्याचार का बोलबाला है, झूठ, फरेब, अनेक प्रकार के ऐसे जो चीजें हैं आज दुनिया में व्याप्त हैं। इंसान का सर्वनाश कर सकता है ये सारी चीजें, ये सारी बुराइयां, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शैतान जो इस दुनिया का नायक है, जो पाप का पिता है, जिससे पाप की शुरुआत हुई है, वो हमें नष्ट कर सकता है, क्योंकि ये उसका उसके उसका कैरेक्टर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं, प्रभु कहता है, कि तुम्हें जीवन मिले, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हें चंगाई मिले, तुम्हें शांति मिले। लेकिन प्रभु यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान के वश में नहीं आया। उसने उसे प्रलोभन दिया, लेकिन उसने उसे हराया, उन्होंने मौत पर फतह पाई, और उसने कीमत अदा करके आपको और मुझे खरीद लिया। उसने कीमत अदा करके आपको और मुझे खरीद लिया। इसलिए याद रखिए कि केवल इस दुनिया से, हमारे पापों से, केवल परमेश्वर आपको और मुझे आजाद कर सकता है। मैंने कहा पिछले दिनों में कि यीशु के लहू में सामर्थ है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, लेवी ग्रंथ में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था कि बाइबल कहती है कि पशु और प्राणी के रक्त में क्या है, शक्ति है, इसी के कारण वो जिंदा रहता है। इसी तरह से प्रभु यीशु के रक्त में सामर्थ है, लेकिन यदि वो रक्त यूसुफ का होता तो वो साधारण रक्त होता, मेरे और आपके जैसा रक्त होता, वो साधारण खून नहीं था, वो पिता का खून था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मां मरियम के गर्भ में आया था। इसीलिए उसके खून बहाने से मुझे और आपको शिफा मिली, मुझे और आपको उद्धार मिला, और वो कीमत उसने चुकाई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, जैसा मैंने कल भी आपसे कहा कि प्रभु का वचन रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वो हमारे अंतःकरण को जानता है। इसलिए परमेश्वर को ये मालूम था कि पाप के अंदर सामर्थ है आपको कुचलने का, पाप में सामर्थ है आपको नष्ट करने का, पाप में सामर्थ है आपको पूरी तरह से सर्वनाश करने का, लेकिन यीशु में सामर्थ है बंधन को तोड़ने का, पाप को कुचलने का सामर्थ यीशु में है। यीशु के नाम में सामर्थ है शांति स्थापित करने का, यीशु के नाम में सामर्थ है उद्धार देने का, यीशु के नाम में सामर्थ है आपको मुक्ति देने का। और यीशु ने ये सारे काम क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके किए, उन्होंने ये सारे काम अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने करके दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, जिससे कि मैं और आप क्या हो सकें, आजादी में रह सकें। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की अधीनता में स्वतंत्रता है, परमेश्वर की अधीनता में स्वतंत्रता है, लेकिन शैतान की अधीनता में गुलामी है। इस वचन को समझना आप, परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो आपको यह खुशी देगा, आनंद देगा, दुख में भी आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, लेकिन शैतान की अधीनता स्वीकार करेंगे तो वो आपको नशे में डुबा देगा, गलत रिश्तों में डुबा देगा, अनेक प्रकार की गलत चीजों में और फंदों में फंसा देगा, और आप उसके गुलाम बन जाएंगे और उसकी गुलामी में रहकर आपके जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा
कि उसकी गुलामी में आपका सर्वन, उसकी अधीनता में आपकी गुलामी है और उस गुलामी में आपका सर्वनाश है, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में आपको स्वतंत्रता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है और प्रभु यीशु भी ये कहता है कि आत्मा जब आप पर उतर आएगा तो वो आपको स्वतंत्र करेगा और आप सत्य को पहचानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी अधीनता, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, वचन को ग्रहण करता हूँ, वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान, आप दया के राजा हैं, आप दया के राजा, चंगा करने वाले प्रभु हैं, चंगा करने वाले प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, वो चांद पर गया। वहां पर जाकर वो उसका जायजा लेकर आया। वापस धरती पर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव जानने की कोशिश की, बड़े बड़े इंटरव्यू उसने दिए और उनसे पूछा गया कि जब आप चांद पर टहल रहे थे तो आपका अनुभव कैसा था। आप तो एक ऐसे बड़े काम को फतेह करके आए हैं, उसके विषय में आपका क्या ख्याल है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, हमें बताने की कोशिश करो। वो जवाब में कहता है कि देखिए, ये बड़ी बात नहीं थी कि मैं चांद पर गया या फिर मैं पहला व्यक्ति हूं जो चांद पर मैं घूम कर आया, टहल कर आया और वहां का जायजा लेकर आया और वहां की चीजों को देखकर आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि जिसने उस चांद को बनाया है, बड़ी बात इसमें है कि जिसने उस चांद को बनाया है वो सृष्टिकर्ता कितना महान और कितना बड़ा है। मैं ये सोच रहा हूं ना कि ये कि मैं चांद पर होकर आया हूं, ये मेरा और आपका ख्याल होना चाहिए जब आप और मैं आज इस दुनिया में रहते हैं, कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी बड़ी पृथ्वी और इतना बड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों, ये सौर मंडल है जो परमेश्वर ने बनाया है, इसको बनाने वाला कितना अच्छा, कितना महान, कितना करुणामय, दयालु और सुंदर होगा जिसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया है। इंसान के लिए चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बड़ी बात यह है ये सोचना कि हम उस परमेश्वर को जान सकें, पहचान सकें, जिसकी खोज इंसान शुरुआत से करता आया है और उस परमेश्वर ने इंसान के रूप में प्रकट होकर आपको और मुझे दिखाया कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये सब यीशु मसीह के जरिए उसने आपके और मेरे सामने उसने प्रकट किया। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि इंसान इस खोज में था कि परमेश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है। ऐसे सवाल थे दुनिया के ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के, संतों के, और जो समाधि में बैठा करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे। आप जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? केवल परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, पुण्य के कमाने के लिए। आप और मैं निरंतर क्या करते हैं? उसे खोजने की कोशिश करते हैं। और यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे बीच में प्रकट हो गया। वो कैसा दिखता है? यीशु मसीह ने आपको ये दिखाया। वो क्या कर सकता है? यीशु मसीह ने आपको ये करके दिखाया। जब उसने मुर्दे को चंगा जिला दिया तो उसने ये सामर्थ्य करके दिखा दिया कि कोई इंसान नहीं परंतु परमेश्वर मुर्दों में
जान डाल सकता है। बोले आमेन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वचन में विश्वास करता हूँ, वचन में विश्वास करता हूँ, और आपके उद्धार पर, और आपके उद्धार पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आज मुझे, आज शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान, चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 जब उसने रोगियों को चंगा किया तो उसने वचनों को पूरा कर दिया, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधता हूँ। जब उसने याकूब, योहन और पेत्रुस को रूपांतरण के समय दर्शन दिया तो उसने अपनी महिमा का दर्शन भी उन्हें करा दिया कि देखो मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा प्रतिरूप कैसा है, मेरा रूप कैसा है, तुम देखो। वो परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास करते हैं प्यारे भाई और बहनों, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ने शरीर धारण किया और इस दुनिया में रहा, और सबके लिए उसने सबके गुनाहों के लिए अपना लहू बहाकर कीमत अदा करके, आपके उद्धार के लिए कीमत चुकाकर उसने प्रायश्चित किया और मुझे और आपको खरीदा। इसलिए मैंने कहा ये उद्धार सस्ता नहीं है, इसे सस्ता मत समझना, ये उद्धार सस्ता नहीं है, इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। अगर आप विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, आपका बंधन टूटेगा, आपके गर्भ के बंधन टूटेंगे, आपकी आर्थिक तंगियों के बंधन टूटेंगे, बेरोजगारी के बंधन टूटेंगे। आप विश्वास करके देखिए तो आप उद्धार पाएंगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। ये मेरा वचन नहीं, ये पवित्र शास्त्र का वचन है, बाइबल ये कहती है, तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तू विश्वास करेगा ईसा मसीह नाजरी के नाम में, अगर तू विश्वास करेगा तू अपने गुनाहों से आजाद हो जाएगा, तू खुशी में जिंदगी जिएगा। आज ये कलाम आपने सुना है, आपके जीवन में आपको दृढ़ता, चंगाई, शांति प्रदान करे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे, आप प्रभु को अनुभव करें और महसूस करें कि वो कितना अच्छा है, जिसने आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, जिसने आपके लिए अपने लहू की कीमत चुकाई है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपनी शांति में बने रहने दे, चंगाई में और शिफा में बने रहने दे। हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तुझे अनुभव करना चाहते हैं। चंगा करने वाले, दया करने वाले यीशु राजा, तेरा रक्त लेकर मैं अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने चौकटों बिछौनों पर, अपनी पढ़ने लिखने वाली किताबों पर विलेपन करता हूँ, गाड़ियों पर विलेपन करता हूँ, अपने खेत खलियानों, अपने मालडंगर खेती बाड़ी पर, दफ्तरों पर विलेपन करता हूँ। तेरा लहू बंधनों को तोड़ता है, आजाद करता है, शिफा देता है, शांति स्थापित करता है, छुटकारा देता है। लहू हमें आजाद करता, मैं विश्वास करता हूँ। शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देता है, पापों से शुद्ध करता है, प्रभु ये साक्ष्य देने में हमारी सहायता करता है। हे प्रभु, मेरे परिवार के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लग जाए, तेरे पवित्र लहू का बाड़ा तेरे इन बच्चों के घर के चारों ओर लग जाए, हर प्रकार से लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, भाइयों बहनों में झगड़े समाप्त हो जाए, ईर्ष्या लोभ लालच की दुष्ट आत्मा जल के राख हो जाए, हम पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, इन्हें तेरे प्रेम में चलना सिखा, तेरी अगुवाई में रहना सिखा, वचन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इन्हें सामर्थ प्रदान कर। आज की ये संध्या वंदना के दौरान जितने लोगों ने तुझे देखा, अनुभव किया है, ये सदा तुझ में बने रहे, इनके घरों पर प्रभु तेरा पहरा हमेशा बना रहे। मैं तेरा अयोग्य सेवक मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए, दुहाई देता हूँ, इन पर दया कर, इनके बच्चों पर, खेत कल्याणों पर, नवजात शिशुओं पर दया कर, जो अपने लिए वर और वधु की तलाश में इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिल जाए, जो संतान की तलाश में है उन्हें संतान का वरदान मिले,
जो प्रायश्चित करना चाहते हैं उन्हें प्रायश्चित का वरदान मिले। हे प्रभु इन पर दया कर, इनकी प्रार्थना को सुनो और कबूल कर, हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।